Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Scope of Marketing. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग का क्या स्कोप है या मार्केटिंग के डिफरेंट एप्लीकेशंस को इसके फंक्शंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं इन रेफरेंस ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ हम इसकी कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिसको इसके स्कोप के अंडर में काउंट करते हैं. द वेरी फर्स्ट activity is the study of consumer wants and needs. Whenever we are using marketing concepts, then on the basis of these marketing concepts, the study of consumer wants and needs is made possible. Market में हमें जब कभी भी consumer की different needs और wants को identify करना होता है तो उसके लिए हम इसके एक particular tool का use करते हैं. This is known as the marketing research. और इस marketing research के tool के basis पर consumers की different type की needs and wants को properly identify किया जाता है. तो एक तरीके से कंज्यूमर वांट्स और नीड्स को स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग अपने डिफरेंट टाइप के टूल्स को यूज़ कर सकता है, जिसमें से एक प्रॉपर टूल होता है जिसको नाम देते हैं मार्केटिंग रिसर्च का. सेकंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज दैट स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. वेन एवर यू आर इन सर्च फॉर नोइंग और एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ योर टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, तो उसको स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मार्केटिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का यूज़ कर सकते हो. यानी कि मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज़ है उन एक्टिविटीज़ के मीडियम से हम कंज्यूमर के बिहेवियर को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्योंकि जब तक हमें अपने कंज्यूमर का बिहेवियर पता नहीं होगा तब तक हम उसके लाइकिंग्स, उसके डिसलाइकिंग्स, उसके एटीट्यूड के हिसाब से पसंद किए वाले प्रोडक्ट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. तो सबसे पहले हमें कंज्यूमर के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसको स्टडी करना पड़ता है. और कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए वी हैव टू गो विद द मार्केटिंग एक्टिविटीज. ठीक, तो ये सेकेंड एक्टिविटी हो गई मार्केटिंग के स्कोप में. थर्ड स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज काउंटेड अंडर द एक्टिविटी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर प्लानिंग एंड डेवलपिंग योर प्रोडक्शन प्रोसेस, या प्रोडक्शन हाउस आपने एस्टेब्लिश कर रखा है और उस प्रोडक्शन हाउस को आपको प्रॉपरली प्लान करना है, प्रॉपरली डेवलप करना है, तो उसके लिए आपको मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ की ही हेल्प लेनी पड़ेगी. मार्केटिंग के हेल्प से आप ये पता कर सकते हो मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी. दिस पर्टिकुलर डिमांड कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केटिंग एप्लीकेशंस. मार्केट की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बेसिस पर कंज्यूमर के द्वारा किसी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटीज फ्यूचर में डिमांड की जाएंगी, दिस कैन बी स्टडीड. और इस पर्टिकुलर स्टडी के बेसिस पर कोई भी प्रोडक्शन मैनेजर अपने प्रोडक्शन के रेफरेंस में प्रॉपरली प्लानिंग कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग जो भी उसे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी उसको प्रॉपरली अरेंज करके प्रोडक्शन को डेवलप भी कर सकता है. तो यहाँ ये मार्केटिंग के स्कोप में इसी वजह से कंसीडर किया जाता है. नेक्स्ट वन इज द प्राइसिंग पॉलिसीज. प्राइसिंग पॉलिसीज यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है. अब किस पर्टिकुलर प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल किया जा सके जिससे कि कस्टमर्स इसको प्रॉपरली परचेज कर सके, तो इस पर्टिकुलर प्राइसिंग डिसीजन को फाइनलाइज करने के लिए भी हमें मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की ही हेल्प लेनी होती है. ये मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ही होती हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइसिंग के रिलेशन में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराती हैं. मार्केट में कंज्यूमर्स किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किस प्राइस पर परचेज करने में कैपेबल होंगे ये आप तभी पता कर सकते हो जब आप कंज्यूमर बिहेवियर को प्रॉपरली स्टडी कर चुके हो. तो मार्केटिंग के बेसिस पर कंज्यूमर के इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर को स्टडी किया जाता है और उसके बेसिस पर डिफाइन किया जाता है कि किस पर्टिकुलर प्राइस में प्रोडक्ट को सेल करना प्रॉफिटेबल होगा कंपनी के लिए और उसके बेसिस पर कंपनी अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर सकती है. दैट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज. नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोडक्ट को आपको अवेलेबल कराना टू दैट कस्टमर, तो अगर एंड कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना है तो इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फॉलो करना पड़ता है. तो इसके लिए आप पहले अपने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को अरेंज करोगे. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को अरेंज करने के साथ साथ एक चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सेट करोगे जिस चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के मीडियम से आप अपने प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराओगे. लेकिन इस चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेशन में जो भी डिसीजन फाइनलाइज करना होता है दैट इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केटिंग. तो ये भी मार्केटिंग का एक पार्ट होता है और इस मार्केटिंग के पर्टिकुलर पार्ट के बेसिस पर कंज्यूमर तक गुड्स को राइट टाइम पर किस तरह से अवेलेबल कराया जाए इसको एंश्योर किया जाता है. नेक्स्ट वन इज द प्रमोशन. अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
क्योंकि जब तक मार्केट में कंज्यूमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, वो आपके प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए परसुएटेड नहीं होंगे, तब तक आपके प्रोडक्ट की सेल पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके साथ साथ कंज्यूमर्स को परसुएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इस प्रमोशनल टूल्स के बेसिस पर आप अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम लेवल तक सेल करने में कैपेबल हो पाते हो। तो प्रमोशन इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिविटी विच इज काउंटेड अंडर द स्कोप ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि जब तक कंज्यूमर को अवेलेबिलिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। दैट इज वेरी क्लियर, क्योंकि कट शॉर्ट कॉम्पिटिशन है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, और जब तक आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में कंज्यूमर्स को पता नहीं होगा, तब तक वो आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकते। इसी वजह से इस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करके कंज्यूमर्स के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करती है प्रमोशन, एंड इट इज काउंटेड अंडर द स्कोप ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट वन इज द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को स्टडी करने के बाद इनको प्रॉपर वे में किस तरह से सेटिस्फाइड किया जा सकता है, इसके रिगार्डिंग भी सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड करता है, मार्केटिंग एक्टिविटीज ही प्रोवाइड करती हैं। डिफरेंट टाइप की जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, जिसके बेसिस पर आप कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाइड कर सकते हो, दिस इज परफॉर्म बाय द मार्केटिंग। क्लियर? एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज मार्केटिंग कंट्रोल। मार्केटिंग के डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है आपको। कंट्रोल करना के मतलब जो रिजल्ट आप अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज से ऑब्टेन करना चाहते हो, एज इट इज वही रिजल्ट आपको मिले। इसको एंश्योर करेगा कौन? इसको एंश्योर करेगा आपका मार्केटिंग का कंट्रोलिंग फंक्शन। तो मार्केटिंग कंट्रोलिंग फंक्शन के बेसिस पर आप ये एंश्योर करते हो कि जिस पर्टिकुलर रिजल्ट को आप चाहते हो डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बेसिस पर, वैसे ही रिजल्ट मिले। देन इट इज फॉलोड विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग कंट्रोल टूल, एंड इट इज ऑल्सो कम अंडर द स्कोप ऑफ मार्केटिंग। So these are all the points which are counted under the scope of marketing. Now come to the importance of marketing. Marketing ki importance kya hai? Why marketing is so much important from the point of view of marketer? To iske liye humne kuch particular points yahan par define kiye hain. The very first one is the marketing helps in transfer, exchange and movement of goods. Kyunki ek baar jab aapne goods ko produce kar diya, to goods ke production ke baad iska ट्रांसफर बहुत जरूरी है, गुड्स का एक्सचेंज बहुत जरूरी है, मूवमेंट बहुत जरूरी है फ्रॉम द प्लेस ऑफ कंजम्पशन टू द प्लेस ऑफ फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। जब तक ये गुड्स ट्रांसफर नहीं होंगे, एक्सचेंज नहीं होंगे, मूवमेंट नहीं होंगे, तब तक इनको प्रोड्यूस करने का कोई फायदा नहीं होता है। और गुड्स को प्रॉपरली प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक मूव कराने में, एक्सचेंज कराने में और ट्रांसफर कराने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसका होता है? मार्केटिंग का होता है। तो मार्केटिंग यहाँ पर डिफरेंट टाइप के टूल्स का यूज़ करती है, और इन टूल्स का यूज़ करते हुए इस प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक या कंज्यूमर्स तक इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करती है। ठीक है, इस वजह से मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फायदा क्या है इसका? इज हेल्पफुल इन रेजिंग एंड मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करना है, उसे मेंटेन करना है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा? मार्केटिंग का होगा। क्योंकि मार्केटिंग अपने रिसर्च टूल को यूज करते हुए कंज्यूमर्स की प्रॉपर नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करती है। ये वो नीड्स एंड वांट्स होती हैं जिसे अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया मार्केटर्स के द्वारा, और इन पर्टिकुलर नीड्स एंड वांट्स पर इस तरह से वर्कआउट करती है ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि जो प्रोडक्ट इनको अवेलेबल कराया जाए उसके बेसिस पर इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रॉपरली रेज किया जा सके। तो सोसाइटी के अंदर किसी भी कम्युनिटी के रिलेशन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करने का काम करती है कौन? मार्केटिंग। क्योंकि मार्केटिंग नहीं होगी तो कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं किया सकेगा, और उसके बेसिस पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने वाले प्रोडक्ट्स को डेवलप नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होगी मार्केटिंग की। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? मार्केटिंग क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ी बात क्या है कि मार्केटिंग को परफॉर्म करने में हमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ता है, और इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के पर्सोनल्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये जो पर्सोनल्स हैं, जब इनकी रिक्वायरमेंट होगी तो ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी तो ऑब्वियसली मार्केटिंग एम्प्लॉयमेंट को प्रॉपरली क्रिएट करेगा। क्लियर? And the next one is the marketing as a source of income and revenue. एक तरीके से जो marketing है वो income और revenue का source है, क्योंकि marketing को follow करने के बाद company अपने product की selling को और ज़्यादा ensure कर पाती है, और उसके basis पर उसका income भी बढ़ती है और उसका income revenue भी properly generate होता है। Next importance of marketing is marketing acts as a basis for making decisions. यानी कि जब different type के प्रॉब्लम्स के रेफरेंस में हमें एज अ मैनेजर डिसीजंस को फाइनलाइज करना होता है, तो उसमें मार्केटिंग एक तरीके से अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रोडक्ट
किस टाइप का होना चाहिए उसके रिलेशन में डिसीजन फॉलो करना है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसकी इसके रिलेशन में डिसीजन को फॉलो करना है, प्रमोशनल मिक्स किस तरह से फॉलो करना चाहिए इसके रिलेशन में डिसीजन को फाइनलाइज करना है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए इसके रिलेशन में डिसीजन को फाइनलाइज करना है। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप के डिसीजन को फाइनलाइज करने के रेफरेंस में मार्केटिंग अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज मार्केटिंग एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज़। अगर आपको नए नए आइडियाज़ को जनरेट करना हो तो इन नए आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए आप मार्केटिंग की हेल्प ले सकते हो और इन मार्केटिंग के डिफरेंट टूल्स का यूज़ करते हुए आप नए नए आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हो। द लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इज हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? मार्केटिंग का। जितना एक्टिवली मार्केटिंग अपना रोल प्ले कर रही होगी किसी भी इकोनॉमी में, उस कंट्री का या उस इकोनॉमी का डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा एनश्योर हो सकता है, क्योंकि मार्केटिंग के बेसिस पर आप डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को इक्वल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सोसाइटी के हर सेक्शन तक गुड्स की अवेलेबिलिटी को एनश्योर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह से जो मार्केटिंग है वो किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में अपने इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है। ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग की। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मार्केटिंग, दैट इज नोन एज द मार्केटिंग मैनेजमेंट। अभी तक हम मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, अब हम बात करेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट टू पार्ट्स होगा इसके अंदर, द फर्स्ट वन इज द मार्केटिंग एंड सेकंड वन इज द मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इसका मतलब जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, इट फैसिलिटेट द एक्टिविटीज एंड फंक्शंस व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेशन में हम जितनी भी एक्टिविटीज़ और फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं उसके रिगार्डिंग प्रॉपर अरेंजमेंट्स या फैसिलिटीज़ अरेंज की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। या मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के रिलेशन में जब हम प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो ये फील्ड बन जाती है आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट। फिलिप कॉटन ने इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एनालिसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स डिजाइन टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड एक्सचेंजेस विद द टारगेट मार्केट्स फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इट रिलाइज हैवली ऑन डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफरिंग इन टर्म्स ऑफ द टारगेट मार्केट नीड्स एंड डिजायर एंड यूजिंग इफेक्टिव प्राइसिंग, कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू इन्फॉर्म, मोटिवेट एंड सर्विस द मार्केट। तो ये एक फुल्ली डेफिनेशन प्रोवाइड करिए, बहुत लेंथी डेफिनेशन है ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन है जिसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट की कंप्लीट प्रोसेस को डिफाइन किया गया है। क्या मतलब है मार्केटिंग मैनेजमेंट का? मार्केटिंग के प्रोग्राम्स को एनालाइज करने के लिए, प्लान करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए हम एक क्या करते हैं, कंप्लीट मार्केटिंग प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग प्रोग्राम के रिलेशन में हमने या हम ये बात वी कैन सी दैट मार्केटिंग के रिलेशन में एनालिसिस करने के लिए, इसकी प्लान करने के लिए, मार्केटिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए और मार्केटिंग को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है। और प्रोग्राम जो डिजाइन किया जाता है इसका पर्पस क्या होता है, जो टारगेट मार्केट है उसको जो प्रोडक्ट डिजायर्ड होते हैं उसकी उस डिजायर्ड एक्सचेंज को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर सकती है। ठीक है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हो, जब आप मार्केटिंग के रिलेशन में एक प्रोग्राम डिजाइन करते हो तो इसको हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का नाम देते हैं। इसका मेन पर्पस किस पर होता है, ये डिजाइनिंग जो प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है इसमें मार्केटिंग के रिलेशन में, यहां फोकस क्या होता है, सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो टारगेट मार्केट की नीड्स और डिजायर पर होता है और इन नीड्स और डिजायर्स को ध्यान में रखते हुए एक इफेक्टिव प्राइसिंग, कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी को इसमें इंक्लूड किया जाता है, जिसके बेसिस पर कंज्यूमर्स को, जो टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स है उनको इन्फॉर्म किया सके, उनको मोटिवेट किया सके और उनको सर्विस प्रोवाइड किया सके। तो हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को या मार्केटिंग प्रोग्राम को मार्केटिंग मैनेजमेंट का नाम देते हैं। और ये क्या करता है, ये एक तरीके से उस प्रोसेस को डिफाइन किया जाता है जो मार्केटिंग मैनेजमेंट में फोकस की जाती है। सो दिस इज अबाउट द मार्केटिंग मैनेजमेंट। थैंक यू।